गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 24 प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी काम को करने की संभावना. किसी भी काम की बेटे पॉसिबिलिटी येस और नो में होती है. जैसे कि अगर हम कहें द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1. जो 100% श्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1. अगर हम कहें द सन राइजेज इन द बेस्ट, इट इज नॉट पॉसिबल, तो सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हुई वो क्या हुई, 0. अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस को थ्रो करने पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, जो आउटकम्स हैं, वो क्या होंगे, 6 नंबर्स. क्योंकि डाइस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कितने नंबर होते हैं, 6. अगर हम कहें डाइस को थ्रो करने पर हमें 7 आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, बिल्कुल 0 हुई, क्योंकि डाइस के ऊपर 7 नंबर नहीं होता. इसी तरीके से हमारी जो प्रोबेबिलिटी का जो हमारा इक्वेशन है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द नंबर ऑफ टोटल आउटकम. हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम. पहले हम बात करते हैं आउटकम. आउटकम क्या होते हैं, जैसे टॉसिंग ए कॉइन, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम. एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितने आउटकम होते हैं, 2, क्योंकि कॉइन के एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल. अगर हम कॉइन को थ्रो करेंगे, या तो हमें हेड आएगा या टेल, इसके अलावा हमारे पास कोई भी चांस नहीं है. ऐसे ही अगर हम 2 कॉइन्स को थ्रो करते हैं, तो 2 कॉइन्स पे हमें क्या आ सकता है, या तो दोनों पे हेड आ सकता है या दोनों पे टेल आ सकता है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड. तो हमारे कितने आउटकम हो गए, 4. ऐसे ही है थ्रोइंग ऑफ ए डाइस. डाइस को थ्रो करने पर हमारे पास कितने आउटकम होते हैं, 6, क्योंकि डाइस के 6 फेस होते हैं, उसके पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर होते हैं, तो हमारे टोटल आउटकम कितने हो गए, 6. तो बेटे इस चैप्टर की कोई एक्सरसाइज आपको नहीं दी हुई है, तो ये वाले जो एग्जांपल्स हैं 1, 2, 3, 4, ये चारों एग्जांपल्स आपने फियर नोटबुक के ऊपर करने हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस 125 टाइम एंड हेड इज ऑब्टेन 64 टाइम. एक कॉइन को हमने उछाला 125 बार, यानी टोटल आउटकम हो गए 125. हेड इज ऑब्टेन 64 टाइम, और हेड हमें कितनी बार गेट हुआ है, 64 टाइम. इफ़ ए कॉइन इज टॉस एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड ए टेल. दोनों की प्रोबेबिलिटी पता करनी है. तो नंबर ऑफ टेल्स कितने हुए, 125 बार टोटल उछाला, 64 बार हमें हेड आया, तो टेल कितनी बार आया, 61 टाइम हमने माइनस कर दिया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम हेड कितनी बार आया, 64 टाइम्स, और टोटल आउटकम कितने हैं, 125. तो हमारा आंसर आ गया 64/125. ऐसी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल. टेल कितनी बार गेट हुआ है, 61, और टोटल कितने हमारे पास, 125, 61/125. तो ऐसे ही बेटे ये सम करने हैं. नेक्स्ट एक और देखिए, ए डाइस इज थ्रोन 60 टाइम एंड द नंबर इज 5 ऑब्टेन्ड 15 टाइम. एक डाइस को 60 बार उछाला, यानी कि टोटल आउटकम हो गए 60, और 5 नंबर हमें कितनी बार गेट हुआ है, 15 टाइम, तो नंबर ऑफ 5 ऑब्टेन्ड 15. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें किसकी पता करनी है, नाउ ए डाइस इज टॉस एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर. यहाँ पे क्या आएगा, गेटिंग द नंबर 5. 5 की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो 5 कितनी बार गेट हुआ है, 15 बार, 15/60, तो काट के आ गया 1/4. अगर आपकी ये कटिंग होती है तो आप इसको काट सकते हो, 15 1 15, 15 4 60, तो 1/4. तो नेक्स्ट समय बेटे 3 और 4 ये आपने खुद से ट्राई करना है, और ये चारों सम आपने फेयर नोटबुक पर भी अच्छे से कंप्लीट करने हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.